तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं। मैं आज तक लोग बहुत ही मस्त एंड बहुत ही बवाल होंगे। तो गाइस मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि कुछ ही टिप्स से फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। गाइस आप अपने फेस को कुछ ही टिप्स से गोरा कैसे कर सकते हैं और अपने हेयर को आप कुछ ही टिप्स से कैसे चेंज कर सकते हैं और अपने बाल पर आप कुछ ही टिप्स से कट भी कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ से इसका ओरिजिनल वाला पिक दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये ओरिजिनल वाला पिक है और मैंने इसी वाले फोटो को यहाँ पर एडिट किया हूँ। तो हमारा फोटो कुछ स्टेप से बना है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को भी बता देता कि आप भी कुछ ही टाइप से बवाल फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं जो भी फोटो से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँ वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों हम बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ से अपने ओरिजिनल पिक पे आएंगे। तो गाइस आपको ओरिजिनल पिक पे अपने आ जाना होगा और यहाँ आपको एक शेयर का ऑप्शन मिलेगा। इस शेयर वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना होगा। तो गाइस आप अपने शेयर वाले ऑप्शन पे टैप कीजिएगा और यहाँ से क्या कीजिएगा, स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर इस फोटो को ऐड कीजिएगा। तो गाइस यहाँ से हम इस फोटो को स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हैं, हमारा फोटो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो गाइस आपका फोटो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो आपको यहाँ पे एक स्केल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर आपको टैप करना होगा और यहाँ एक इम्पोस्ट इमेज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर आपको टैप कर देना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टैप कर देना होगा और यहाँ पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे थ्री लाइन पे ऊपर टैप करके और यहाँ फोटोस वाले ऑप्शन पर मैं आ जाता हूँ। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लाइट रूम पर क्लिक करके और एक बैकग्राउंड को यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ। तो इस बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपने फोटो के हिसाब से इसको कुछ स्टेप से फुल एडजस्ट कर देना होगा और यहाँ पे आपको एक सही का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर आपको टैप करना होगा। तो दोनों इस आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसान है। अब इस यहाँ पर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज मत होना है, आपको इस वाले ऑप्शन पर टैप कर देना होगा। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो अपने फोटो वाले मॉडल को कुछ स्टेप से लेयर को ऊपर की तरफ ला दीजिएगा और छोड़ के और कुछ स्टेप से ड्रॉ कर दीजिएगा, तो आपका फोटो कुछ स्टेप से हो जाएगा। तो अब सिंपली कैसे आपको ब्रश वाले ऑप्शन पे आना होगा। तो आपको ब्रश वाले ऑप्शन पे आना होगा और यहाँ से आप लोग नीचे आइएगा, आपको अब ए वाला ब्रश सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो आपको ए वाला ब्रश सेलेक्ट करना होगा और यहाँ सेटिंग पे टैप करना होगा। तो आपको सेटिंग पे टैप करके अमाउंट रेस को 100 रख लेना होगा और यहाँ से मैं साइज को अभी क्या करता हूँ, इसमें अभी साइज को यहाँ से 8.4 रख लेता हूँ। साइज को गाइस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करते हैं। और यहाँ से मॉप कट कर देते हैं, तो सिंपली गाइस यहाँ से इसको कट कर देना होगा और यहाँ से आप कुछ ही से अपने हेयर को सॉरी गाइस यहाँ से अपने बैकग्राउंड को चेंज कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम बिना देर के वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने फोटो का बैकग्राउंड कुछ स्टेप से चेंज कर चुके हैं। तो गाइस आप अपने फोटो का बैकग्राउंड चेंज करने के बाद यहाँ से अपने हेयर मॉडल को चेंज कर लीजिएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से अपने फोटो को कुछ स्टेप से एडजस्ट कर देंगे और यहाँ स्केल वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे। जिस तरह बैकग्राउंड को किए थे उसी तरह ऐड करेंगे हेयर को भी। और यहाँ इम्पोस्ट इमेज वाले ऑप्शन पर आपको टैप कर देना होगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको टैप कर देना होगा और यहाँ मैं थ्री लाइन पर क्लिक कर देता हूँ, मैं फोटोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस से एक हेयर पीएनजी को ऐड कर लेता हूं। तो इस हेयर पीएनजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस हम यहां से अपने हेयर पीएनजी को ऐड कर लेते हैं। तो हेयर पीएनजी हमारा यहां पे आ चुका है। तो सिंपली गाइस आपको घबराना नहीं, आराम से अपने हेयर पीएनजी को कुछ स्टेप से ऐड करना होगा। तो गाइस आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि हम अपने हेयर पीएनजी को कुछ स्टेप से ऐड कर चुके हैं। तो सिंपली गाइस अब हम यहाँ सही वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। तो आपको सही वाले ऑप्शन पे टैप कर देना होगा। अब गाइस यहाँ से करना क्या होगा, आपको अपने फेस को स्मूथ कर लेना होगा। तो फेस को स्मूथ करने के लिए गाइस सबसे पहले आपको लेयर वाले ऑप्शन पे टैप कर देना होगा। इस वाले ऑप्शन को लेयर किया कहा जाता है, इस पर आ जाना है और अपने जो ये हरा वाला मॉडल आपको यहाँ पे अपने हेयर पीएनजी पे दिखाई दे रहा है वो अपने फोटो वाले मॉडल पे लाना है। एक बार टैप कीजिएगा आ जाएगा, यहाँ से ड्रॉ कर दीजिएगा। सिंपली अब आपको ब्रश वाले ऑप्शन पे आना होगा। अब यहाँ पे आना होगा और यहाँ पे आपको सॉरी गाइस यहाँ से ब्रश वाले ऑप्शन पे आना होगा। तो यहाँ से हम लोग आ जाते हैं इस वाले ब्रश वाले ऑप्शन पे और यहाँ आपको एक लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर टैप कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा ब्रश फिर से ओपन हो जाएगा। तो आपको नीचे आ जाना होगा और आप लोगों को ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे स्मूथ लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप ये वाला ब्रश सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ सेटिंग पे क्लिक कर दीजिएगा। तो सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना होगा और इस दोनों को आप सेम रख लीजिएगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसको आप सेम रख लीजिएगा
और यहाँ से मैं साइज को भी 15.6 रख लेता हूँ, 15 से कुछ ज़्यादा रख लेते हैं, और यहाँ से मैं 19.7 रख लेता हूँ, यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। साइज को गाइस आप अपने हिसाब से रखिएगा और यहाँ से अपने कुछ स्टेप से फेस को स्मूथ करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फेस कितना बेस्ट स्मूथ हो रहा है। तो चलिए दोस्तों हम बिना देर के वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने फेस को कुछ ही जब से स्मूथ कर चुके हैं। तो गाइस आप अपने फेस को स्मूथ करने के बाद यहाँ से आपको करना क्या होगा, अपने यहाँ से चश्मे का कलर चेंज कर लेना होगा। तो इसके लिए गाइस आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको लेयर वाले ऑप्शन पे टैप कर देना होगा, यहाँ पे आपको टैप कर देना होगा और यहाँ पे आपको जो प्लस का ऑप्शन मिलेगा इस पे आपको टैप कर देना होगा और यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेना होगा, इस लेयर पे एक बार टैप कर देना होगा और यहाँ पे एक नॉर्मल का ऑप्शन आपको मिलेगा इस पे आपको टैप कर देना होगा। अब गाइस आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे जो आपको डार्केन का ऑप्शन मिलेगा इस पे आपको टैप कर देना होगा और यहाँ से कट और यहाँ से ड्रॉ कर देना होगा। तो सिंपली गाइस अब आपको यहाँ पे ब्रश वाले ऑप्शन पे आना होगा, तो ब्रश वाले ऑप्शन पे आना होगा और लाइब्रेरी पे टैप कर देना होगा और यहाँ से आप लोग नीचे आ जाइएगा और आप लोगों को ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है, ट्रांजेक्शन लिखा हुआ मिलेगा, तो आप ये वाला ब्रश सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ सेटिंग पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको सेटिंग पे क्लिक करना है और आप सिटी को 100 रख लेना है और साइज को मैं यहाँ से इसको यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं साइज को अभी गाइस 7.9 रख लेता हूँ, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन जो मिलेगा इस पे आपको आना होगा और यहाँ से आप लोग ये वाला ब्लू कलर सेलेक्ट करते हैं फिलहाल और यहाँ से कट कर देते हैं। अब गाइस मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कुछ स्टेप से हम अपने कुछ स्टेप से अपने चश्मे का कलर चेंज कर लेते हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने चश्मे का कलर चेंज कर चुके हैं। तो यहाँ से गाइस मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ, तो सबसे पहले लेयर वाले ऑप्शन पे टैप कर देना होगा इस ट्रिक को जानने के लिए और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो मॉडल दिखाई देगा लेयर पे, जो आपका यहाँ पे कलर्स का मॉडल है यहाँ पे जो इसका है, तो इस पे टैप कर देना होगा और यहाँ पे टैप करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना होगा। तो जस्ट गाइस मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से आप क्या कीजिएगा, अपने चश्मे का कलर चेंज कर लीजिएगा। तो सिंपली मैं अभी ए वाला कलर रख लेता हूँ, गाइस मेरा ए वाला कलर अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे हम ए वाला कलर रख लेते हैं, यहाँ से आपका जो भी मर्जी कलर करे वो रख सकते हैं। तो मैं फिलहाल ए रख लेता हूँ और यहाँ पे मैं ऊपर आपको डन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर डन कर देना होगा, आपको डन कर देना होगा और यहाँ से अपने लिप्स को थोड़ा सा रेड कर लेना होगा। तो इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा, ब्रश वाले ऑप्शन पे आना होगा और लाइब्रेरी पे टैप करना होगा और इसी के बगल में आपको यहाँ पे ये ब्रश मिल जाएगा, इस पे आपको टैप करना होगा और यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करके इस ब्रश का आप सेटिंग देख लीजिए। तो आप सिटी को 100 रख लेना है और साइज को मैं अभी क्या करता हूँ, इसको मैं साइज को यहाँ से 9 रख लेता हूँ और यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। अब गाइस आपको यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन जो मिलेगा इस पे टैप कीजिएगा और यहाँ से रेड कलर को सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से कट कर दीजिएगा। तो अब गाइस मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कुछ स्टेप से सॉरी गाइस थोड़ा सा हम साइज को बढ़ा लेते हैं। अब गाइस मैं यहाँ से इसको कुछ स्टेप से यहाँ से हम अपने लिप्स को कुछ स्टेप से रेड कर चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा लिप्स कितना बेस्ट रेड हो चुका है। तो गाइस आप अपने लिप्स को रेड करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको एक बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पे आपको टैप करना होगा और यहाँ पे आपको एक शेयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको टैप करना होगा और यहाँ से इस नीचे वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना होगा। तो यहाँ पे गाइस आपको टैप करना होगा और यहाँ पे टैप करने के बाद गाइस आपको करना क्या होगा, इस फोटो को आप क्या कीजिएगा, स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर शेयर कीजिएगा। तो गाइस आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर आप आइएगा और यहाँ पे आने के बाद आपको टूल्स का जो ऑप्शन मिलेगा, तो आप टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ सेलेक्टो का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर टैप करना होगा। तो सबसे पहले अपने हेयर पे कुछ स्टेप से रखना है, कुछ स्टेप से जूमिंग करना है और ब्राइटनेस को आप लोग यहाँ से 58 माइनस कीजिएगा, कंट्रास्ट पे आइएगा और इसको आप लोग थोड़ा सा हम लोग इसको भी 31 माइनस कर देंगे, सेचुरेशन पे आएंगे और इसको भी हम कुछ स्टेप से क्या करेंगे 42 माइनस कर देंगे, सबसे नीचे ब्लेंड पे आएंगे और इसको 100 प्लस में रख लेंगे और यहाँ सही वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे, फिर से टूल्स पे क्लिक करके और पे आएंगे और अपने फेस पे रखेंगे। गाइस यहाँ से हम अपने फेस पे कुछ ही टिप से ड्रॉ कर लेते हैं और ब्राइटनेस को मैं अभी यहाँ से 47 प्लस में रख लेते हैं, कंट्रास्ट को हम थोड़ा सा यहाँ से 9 माइनस कर देते हैं और सेचुरेशन पे आना है और इसको आप लोग यहाँ से 16 माइनस कीजिएगा और यहाँ से सबसे नीचे वाले पेन है और इसको आप लोग कुछ ही टिप से 12 प्लस में रख लीजिएगा और यहाँ सही वाले ऑप्शन पे टैप कीजिएगा,
फिर से टूल्स पे आना है और सिलेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप रखना है कुछ टिप से जूम करना है और ब्राइटनेस को आप लोग यहाँ से 43 प्लस रख लीजिएगा। कॉन्ट्रास्ट पे आइएगा और थोड़ा सा इसके 11 माइनस कीजिएगा। सेचुरेशन पे आइएगा और इसको आप लोग यहाँ से 14 माइनस कीजिएगा। सबसे इंटिप ले आइएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ से 14 प्लस में रख लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, सही वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। फिर से टूल्स पे आएंगे और टूल्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक टून इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। टून इमेज वाले ऑप्शन पे आइएगा और यहाँ से सेचुरेशन पे आ जाना होगा और यहाँ से आप लोग सेचुरेशन को कुछ टिप से 50 प्लस रख लीजिएगा, 50 से कम ही रखना है, 34 रख लेना है और यहाँ सही वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। तो गाइस आप लोग देखते हैं कि हमारा फोटो कितना बेस्ट लग रहा है। तो अब इस समय से अपने हेयर पे कट लगाएंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, शेयर वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे और फिर से हम स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका फोटो फोन के गैलरी में चले जाएगा। तो हम फिर से ऑटोडॉक स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर चले जाते हैं, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो सिंपली गाइस अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको स्केल वाले ऑप्शन पे टैप कर देना होगा। अब गाइस आपको इस वाले मॉडल पे क्लिक कर देना होगा, इस पे आपको क्लिक कर दीजिएगा तो इस टाइप से आपको सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो आप इसको कुछ स्टेप से रखिएगा, मैं अभी इसको यहाँ से कुछ स्टेप से रख लेता हूँ। तो सिंपली गाइस मैं अभी यहाँ से इसको हम कुछ स्टेप से रख लेते हैं। अब गाइस आपको ब्रश वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टैप कर देना होगा, तो मैं अभी यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ लाइब्रेरी पे क्लिक करके और यहाँ से मैं नीचे आ जाता हूँ। अब गाइस आपको करना क्या होगा, आपको ये वाला ब्रश सेलेक्ट नहीं या स्मूथ लिखा हुआ मिलेगा, तो आप ये वाला ब्रश सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ सेटिंग पे क्लिक कर दीजिएगा। तो सेटिंग देख लीजिए, फॉलो को आप लोग 100 रख लीजिएगा, स्ट्रेन को 8 रख लीजिएगा और साइज को 9.9 आप अपने फोटो के हिसाब से साइज को रखिएगा। तो मैं अभी इतना 9 रख लेता हूँ और ऐसे मैं कट कर देता हूँ। तो सिंपली गाइस अब आपको यहाँ से करने क्या होगा, अपने हेयर पे कुछ ही टाइप से कट को अप्लाई कर लेना होगा। तो देखिए गाइस यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा कट कितना बेस्ट लग रहा है। अभी यहाँ पे एक और कट हम लगा लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोग घबराइएगा नहीं, आराम से अपने कट को अप्लाई कर लेना होगा। अब हम यहाँ से कट कर देंगे, तो हम यहाँ से कट कर देंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमारा फोटो कितना ही बेस्ट एडिट हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों हम आपसे फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।